और गुजरात में बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के बाद सियासी घमासान भी तेज हो गया है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए दोषियों की रिहाई पर ही सवाल उठा दिया है। दरअसल बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को कमेटी की सिफारिश के बाद रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गुजरात सरकार ने कमेटी बनाई थी, तो ओवैसी ने दोषियों की रिहाई पर इस बीच सवाल भी उठाए हैं। बिल्किस बानो रेप केस के 11 दोषी जेल से रिहा हुए हैं और इसी पूरे मामले पर ओवैसी ने अब आरोप लगाया, सवाल खड़े कर दिए। बिल्किस बानो रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 11 कैदी जेल से बाहर आ गए हैं। जेल के बाहर खड़े इन सभी लोगों को सरकार की तरफ से रिहाई का तोहफा मिला है। सभी दोषी बाहर आए तो परिवार वालों ने मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया। गुजरात सरकार की माफी योजना के तहत इन सभी को जेल से छोड़ने का फैसला किया गया। ये सभी 2002 में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के मामले में सजा काट रहे थे। गुजरात सरकार के इस फैसले पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा, ये बीजेपी की आजादी के अमृत का संस्करण है। जो लोग गंभीर अपराध के दोषी हैं, उन्हें आजादी दी गई। बीजेपी का एक धर्म के प्रति ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया है कि बर्बर रेप और नफरत से भरा आदमी भी क्षम्य है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारतीयों से महिलाओं का अपमान नहीं करने का संकल्प लेने को कहा है। उन्होंने नारी शक्ति को सपोर्ट करने को कहा। उस दिन गुजरात सरकार ने गैंगरेप के दोषियों को रिहा कर दिया। मैसेज साफ है। ओवैसी के तेवर बता रहे हैं कि इस मामले में सियासत तेज होने वाली है और सियासत का एजेंडा हिंदू मुसलमान बन सकता है। आपको रिहाई की पूरी कहानी बताते हैं, इससे पहले आपको इस केस की डिटेल बता देते हैं। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में अयोध्या से लौट रहे 59 कार सेवकों को ट्रेन में जलाकर मार डाला गया। गोधरा ट्रेन कांड के बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप के वक्त बिल्किस बानो 19 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई, जबकि 6 सदस्य किसी तरह बचकर भाग निकले। इस कांड में राधेश्याम शाही, जसवंत चतुर्भाई नाई, केशु भाई वदानिया, बका भाई वदानिया, राजीव भाई सोनी, रमेश भाई चौहान, शैलेश भाई भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, गोविंद भाई नाई, मीतेश भट्ट और प्रदीप मोढ़िया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसके बाद आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। आरोपियों को सजा दिलाने का दबाव बढ़ा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पहले अहमदाबाद में सुनवाई हुई, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2004 में मामले को मुंबई ट्रांसफर कर दिया। मुंबई में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को बिल्किस बानो रेप केस में दोषी मानते हुए 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इन सभी के ऊपर बिल्किस बानो के साथ रेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या का आरोप लगाया गया। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। 15 अगस्त को रिहा हुए सभी दोषी 15 साल की सजा काट चुके थे। अब सवाल है कि आखिर इनकी रिहाई कैसे हुई। 15 साल की सजा काटने के बाद इस केस के कैदी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कैदी ने खुद को समय से पहले रिहा करने की याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा कि क्या राज्य सरकार की ओर से इन्हें माफी दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गुजरात सरकार ने पंचमहल के कलेक्टर की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। कमेटी ने एकमत से फैसला किया कि सभी 11 दोषियों को माफी दे देनी चाहिए। कमेटी की सिफारिश के बाद सभी दोषियों को जेल से छोड़ने का आदेश जारी हुआ। अब सभी 11 दोषी बाहर आ गए हैं। इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। ओवैसी के साथ साथ दूसरी विरोधी पार्टियों ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।